नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही है। ओडीआई सीरीज के पहले 2 मैच में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इंग्लैंड ने ओडीआई सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अहम सुझाव दिया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का मानना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आगामी मैचों में टीम के लिए बल्लेबाजी विभाग में बड़ी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए इंजमाम उल हक ने कहा कि पाकिस्तान को आगे कप्तान बाबर आजम और रिजवान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पूर्व कप्तान ने कहा, बाबर आजम अच्छा खेल रहा है, वह विश्व स्तरीय खिलाड़ी है, दुर्भाग्यवश वो आउट हो गया, मगर उसे जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ये बड़ी सीरीज है तो रिजवान और बाबर को खड़े होना पड़ेगा। दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं और विकेट पर टिकने की जरूरत है ताकि वो टीम के अन्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सके। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे ओडीआई सीरीज की बात करें तो पहले मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से हार मिली, तो वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 52 रनों के बड़े अंतर से पाकिस्तान को धूल चटा दी। सीरीज का तीसरा मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। बताते चले, ओडीआई सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।